आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक स्मार्ट वॉच को। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देखी होंगी, तो राउंड डायल के अंदर एक और हमारे पास स्मार्ट वॉच आ चुकी है जिसके फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट्स वॉच है, फुली टच डिस्प्ले है और इसमें खास बात यह है कि यह एमोलेड डिस्प्ले। इसमें अगर फ्रंट पे आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे कुछ इसका डिजाइन इस तरह से कुछ स्पोर्ट्स की लुक देती है, लेकिन मैं जो लेने गया था वो GW16 लेने गया था, वो एक साल हो गया मुझे ढूंढते हुए नहीं मिल रही। वो एक बार ही बनी है, उसके बाद दोबारा से वो वाला राउंड डायल नहीं आया। वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद था, तो उसके बाद फिर ये कुछ हद तक मुझे बेहतर लगी तो ये मैं ले आया। तो अब इसके फीचर्स आपको गिनवा दूं। यहाँ पे इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो, कैलोरीज, स्नैपशॉट, डायलिंग, तो ये चीजें इसके अंदर है। और इसमें इस बार खास बात है, बाकी जितने भी वॉच मैंने अब तक जो है अनबॉक्स किए हैं उसके अंदर ये चीज नहीं थी, इसके अंदर यहाँ पे इस बार अब एमोलेड डिस्प्ले भी जाता है। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि एमोलेड डिस्प्ले का जो रिजल्ट है वो किस तरह से आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक कलर में है और दो कलर और आते हैं, एक ग्रीन और एक है व्हाइट, तो ये ब्लैक, तीन कलर हो गए। तो ये है हमारे पास बॉक्स और बॉक्स कुछ इस तरह से है और यहाँ पे पहले से ओपन है वैसे तो, क्योंकि उनके पास ब्लैक कलर में पड़ा नहीं था और पड़े थे बॉक्स बंद, लेकिन मुझे चाहिए था ब्लैक में ही। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अच्छा, इसके मॉडल जो है कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने TF10 प्रो स्मार्ट वॉच इसका मॉडल है। इसके ऊपर हमें सबसे पहले जो है हमें मिल जाता है डायलर को अभी साइड पे रख देते हैं। और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक जो है चार्जिंग केबल मिल जाती है और चार्जिंग केबल के साथ इसके स्ट्रैप मिल जाते हैं और इसके साथ हमें मैनुअल मिल जाता है। तो हम इन चीजों को कर देते हैं साइड पे। अब इसके साथ सबसे पहले स्ट्रैप आप देख लें, यहाँ पे डायलर आप देख सकते हो, मैं डायलर को आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक डायलर है और ये कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का है और इसके यहाँ पे स्ट्रैप लगा हुआ है। यहाँ पे पेपर उतार देते तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और स्टैप की बात कर लेते हैं, स्टैप इसके अंदर दूसरे वाले पिन वाले हैं जो कि आप बाहर से लोकल जो वॉचेज आपको मिलती हैं उनके भी जो है स्टैप आप इनको लगा सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने स्मार्ट वॉच वाले वो मैग्नेट इस पे वो वाले तो नहीं लगेंगे, इस पे ये पिन वाले यहाँ पे लगते हैं। तो इसको लगाना क्या है कि आपको यहाँ पे दोनों साइडों पे होल नजर आ जाएंगे, आपने सिंपली इधर से क्लिक करके इसके अंदर जो है हल्का सा प्रेस करके इसके अंदर एड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है स्टेप लगा लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हैं और इसकी लुक का आप देख सकते हो। अब इसको ऑन करते हैं और देखते हैं एमोलेड डिस्प्ले में हमें डिस्प्ले जो है किस तरह से नजर आता है। और अगर मैं इसकी पहले साइड की बात कर लूं तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक मेरे ख्याल में माइक दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे दो बटन है, दोनों बटन काम करते हैं। और इस साइड पे आपको जो स्पीकर देखने को मिल जाता है, चार्जिंग और सेंसर, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस है, तो मतलब कि अगर आप इसको पानी के अंदर काफी देर तक हुए तो ये इसमें पानी जा सकता है, लेकिन अगर हल्का फुल्का इस पे पानी आ जाए तो उसका जो है ये बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे डायलर के ऊपर एक स्पोर्ट्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये खास तौर पे स्पोर्ट्स वालों के लिए बनाई गई है। तो अब इसको करते हैं ऑन, यहाँ पे रेड वाले बटन को है हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर चार्जर नहीं है तो मैं इसको चार्ज लगा के यहाँ पे ऑन करवा के दिखा देता हूँ। चार्जर लगाने का आसान सा तरीका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली आपने इस तरह करना है और ये मैग्नेट है, इसके मैग्नेट पकड़ लेते हैं और यहाँ पे हमारी जो है स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ग्रेविटी वाला सेंसर भी है, जिस साइड को करोगे उसी साइड को रोटेट हो जाता है। और यहाँ पे जो है वॉच हमारी ऑन हो चुकी है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी लुक नजर आती है। अब मैं इसके अंदर आपको फंक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे डायलर है, अगर मैं इसको जो है रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डायलर चेंज होते हैं। कमाल के डायलर हैं, बाकी मैंने वॉचेज में देखा है वो इतने खास डायलर नहीं है, लेकिन इसके कुछ हद तक जो है स्पोर्ट्स की लुक देते हैं। और उसके साथ इसके अगर मेन्यू की बात करें तो मेन्यू आपको जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो कि वीडियोज में तो बहुत लंबी हो जाएंगी, आप लोगों को यहाँ पे मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और इसकी सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, तो ये है इसकी सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेटिंग के साथ भी इस बार इसमें आइकॉन है और मॉडल वगैरह आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। काफी अच्छा डिस्प्ले है, कैमरे में पता नहीं आपको सही से नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन देखने में जो है इसका डिस्प्ले बाकी वॉचेज की निस्बत जो है ज्यादा अच्छा है। और इसकी प्राइस भी क्योंकि थोड़ी ज्यादा ही है, 5000 की मुझे ये मिली है। और नॉर्मल जो वॉचेज जैसे आजकल चल रही है 7 स्ट्रैप वाली, वो आपको तकरीबन 1800 से 2500 तक की आपको जो है मिल जाती है आराम से। तो इसके अंदर कुछ ये चीजें हैं, तो
अब हम इसको जो है इसका ऐप चेक करवा देता हूँ आपको कि ऐप की लुक किस तरह की, क्योंकि हर तरह हर वॉचेज के ऐप अलग अलग हैं। कुछ वॉचेज में जो है आप जो है डायलर ज्यादा ऐड कर सकते हो, कुछ में कम कर सकते हो, तो इसको अब चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज आती है। हम अब ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने बॉक्स के बैक साइड पे आपने देखा होगा, आपने क्या करना है अपने फोन के अंदर कोई भी QR कोड वाला जो है एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे QR कोड रीडर है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही मैं यहाँ पे इसको जो है स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करते ही मैं इसको जो है ब्राउजर पे ओपन करवा लेता हूँ, क्योंकि ये जो ऐप होते हैं लोकल ऐप होते हैं और इन्होंने अलग से बना के अपने जो है सेव किए होते हैं। ये देखें अब इस पे प्ले स्टोर पे पड़ा है, तो मैं प्ले स्टोर पे चला जाता हूँ। तो ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वरना बहुत सारे ऐप जो है प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं होते, लोकल वेबसाइट पे बना के उस पे इन्होंने रख दिए होते हैं। तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आई एग्री। तो यहाँ पे सेटअप करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इसका इंटरफेस आ चुका है। अब मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा और इसको जो है ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास वॉच आ चुकी है TF10 Pro, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे वॉच जो है कनेक्ट हो जाएगी। तो कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे इसकी बैटरी वगैरह और सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे डायलर जो अपलोड है पहले से वो भी दिखा रहा है, और यहाँ पे ऑल डायलर में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये डायलर इसके अंदर अपलोड हैं। तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजिंग पे ये लगा हुआ है, आप इसमें से चेंज भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे आपको डायलर देखने को मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स वॉच है, स्पोर्ट्स के लिहाज से यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे डायलर देखने को मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो आप जो है अलग से फोटोज के साथ अपने जो डायलर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको क्लॉक वाला मिल जाता है और एक यहाँ पे डिजिटल मिल जाता है, तो मैंने दोनों अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच के अंदर यहाँ पे एक ये फोटो वाला आ गया, और अगर रोटेट करूंगा तो एक ये आ गया। तो इस तरह से आप जो है अपनी फोटो के साथ भी कोई डायलर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो गिफ्ट का एक ऑप्शन है, और गिफ्ट के अंदर भी आपको सारे जो डायलर जो है गिफ्ट वाले मिलेंगे, जो कि आपको कुछ इस तरह से नजर आने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी लुक दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है, जो कि आप अपने मोबाइल के साथ इसको सिंक करके ये सारी चीजें उधर जो है आप देख सकते हो। तो आप लोगों को टोटल यहाँ पे जो है 5 डायलर देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप इन्हीं को बार बार चेंज करके अगर कोई नया ऐड करना चाहो तो इन्हीं की जगह पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो KB में जगह होती है जो कि आप डायलर अपलोड करके जो है कंप्लीट कर लेते हो, तो इसके लिहाज से इन्होंने यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। लेकिन इसकी खास बात अब ये है कि इसके आप सारे डायलर चेंज कर सकते हो, जबकि मेरे पास पहले जो वॉचेज थी अल्ट्रा वगैरह उन पे जो है सिर्फ 1 से 2 वॉच इंटरफेस जो है चेंज कर सकते थे, उसके अलावा जो बाकी थे वो फिक्स रहते थे। लेकिन इसकी खास बात है कि इसमें आप टोटली जो है 5 के 5 अपनी मर्जी से रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप हेल्थ में आते हो तो आपके हेल्थ के रिलेटेड जितने भी सारे इसके अंदर जो है सेंसर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, और आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। बाकी आप जो है बताना कि आपको ये स्मार्ट वॉच कैसी लगी। मुझे तो बाकियों की निस्बत या अल्ट्रा वगैरह की निस्बत तो काफी अच्छी लगी है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास सेंसर सारे मिल जाते हैं। बाकी आप लोगों के पास कौन सी वॉच है या आपको कौन सी पसंद आई है इतनी सारी वॉचेज में से, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।